गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम पुनीत कुमार फ्रॉम गोंडा, वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन RPIIT कॉलेज. टुडे वी डिस्कस इन दिस वीडियो ऑड मेथड. ऑल गेम प्रॉब्लम वेयर सेडल पॉइंट डज नॉट एग्जिट्स आर कॉल्ड मिक्स्ड स्ट्रेटजी प्रॉब्लम. द मिक्स्ड स्ट्रेटजी प्रॉब्लम, मैक्सिमम ऑफ रो मिनिमा विल नॉट बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ कॉलम मैक्सिमा. बोथ प्लेयर विल यूज डिफरेंट स्ट्रेटजी विद सर्टेन प्रोबेबिलिटी टू ऑप्टिमाइज. There are many methods like odd method, dominance method, graphical method, subgame method, equal gain method. But in this video we discuss only odd method. The odd method is used only in the case a game with 2x2 matrix without saddle point. Means जब किसी क्वेश्चन में हमारा सैडल पॉइंट नहीं आता एंड वो टेबल हमारी 2x2 की फॉर्म में है, मीन्स दो ही रो हैं एंड दो ही कॉलम हैं, वहाँ पर हम ऑड मेथड अप्लाई करेंगे. द फर्स्ट स्टेप फॉर सॉल्विंग द ऑड मेथड, दैट इज फाइंड द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इन कॉलम वन एंड पुट इट अंडर कॉलम टू, नेगलेटिंग साइन इफ अकर्स. मीन्स हमें फर्स्ट कॉलम का डिफरेंस लेना है, जो डिफरेंस आएगा उसको सेकेंड कॉलम के अंडर लिखना है, सेकेंड कॉलम के नीचे लिखोगे और साइन को आप क्या करोगे, यहाँ पे इग्नोर करोगे. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. सेकेंड, फाइंड द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इन कॉलम सेकेंड एंड पुट इट अंडर कॉलम फर्स्ट, नेगलेटिंग साइन इफ अकर्स. सेकेंड स्टेप क्या है हमारा, हमें अब सेकेंड कॉलम का डिफरेंस लेना है. जो सेकेंड कॉलम में दो वैल्यू हमें गिवन है उनका हम डिफरेंस लेंगे और उसको फर्स्ट कॉलम के नीचे लिखेंगे. क्लियर है? फर्स्ट स्टेप में क्या था हमारा, फर्स्ट कॉलम का डिफरेंस लिया, उसको सेकंड कॉलम के नीचे लिखना है. सेकंड स्टेप में सेकंड कॉलम का जो डिफरेंस लिया है उसको हम फर्स्ट कॉलम के नीचे लिखेंगे. आफ्टर दैट थर्ड स्टेप, फाइंड द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इन रो फर्स्ट एंड पुट इट अंडर रो सेकंड, नेगलेटिंग साइन इफ अकर्स. अब हम क्या करेंगे, रो वाइज फर्स्ट रो का डिफरेंस लेंगे और उसको सेकंड रो के फ्रंट में लिखेंगे. यहाँ पे भी हम साइन को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे. नेक्स्ट स्टेप, फाइंड द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इन रो सेकंड एंड पुट इट अंडर रो फर्स्ट, नेगलेटिंग साइन इफ अकर्स. अब हम सेकंड रो है जो, उसमें दो वैल्यूज है उनका डिफरेंस लेंगे और उसको फर्स्ट रो के फ्रंट में लिखेंगे और यहाँ पे भी हम साइन को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे. जो वैल्यूज ये कैलकुलेट की हमने डिफरेंस निकाल के, इन वैल्यूज को हम बोलते हैं ओड. मीन्स दीज वैल्यूज दैट ऑब्टेन आर कॉल्ड ओड्स. नेक्स्ट स्टेप, मेक द ओड नंबर इनटू फ्रैक्शन ओवर द सम ऑफ पेयर ऑफ नंबर. दीज वैल्यू रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी विद विच द प्लेयर मस्ट यूज दैम इन देयर ऑप्टीमल स्ट्रैटजी. मीन्स जो वैल्यूज आइए, जो ओड्स हमने कैलकुलेट की है, अब हम इनको फ्रैक्शन में लिखेंगे. किस पर्पज के लिए, सो दैट वी कैन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी. ओड की हेल्प से हम प्रोबेबिलिटी क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे. आफ्टर कैलकुलेटिंग द प्रोबेबिलिटीज, जो हमारी ऑप्टीमल स्ट्रैटजी है वो हमें क्या हो जाएगी, फाइंड आउट हो जाएगी. ओके, नेक्स्ट देन वी डिटरमाइन दी वैल्यू ऑफ गेम. क्योंकि हमारी टेबल ऑलरेडी 2x2 की फॉर्म में है तो हम यहाँ पे फिर वैल्यू ऑफ गेम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे. वैल्यू ऑफ गेम हम जैसे प्लेयर के अकॉर्डिंग निकालेंगे, जैसे P1, P2, इसी तरह Q1 एंड Q2, आप किसी भी उसके थ्रू सोल्व कर लेना. 4 के 4 के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यूज क्या आएगी, वो सेम आएगी. दिस इज द कंप्लीट प्रोसीजर हाउ टू सोल्व द ऑड मेथड इन गेम थ्योरी. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच.